बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तें राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार भजन 54 प्यारे प्यारे। यह दुनिया सारी मुसाफिर खाना जान। प्यारे प्यारे यह दुनिया सारी मुसाफिर खाना जान। जगत मुसाफिर खाने में सब तो दिन के मेहमान। हर दम कोई रह न सकत है यह निश्चय कर मान। प्यारे प्यारे यह दुनिया सारी मुसाफिर खाना जान। मोह ममत ना रखो किस से झूठा जग पहचान। ले आया नहीं ले जाओगे धन संपत्ति सामान। प्यारे प्यारे यह दुनिया सारी मुसाफिर खाना जान। कुल कुटुंब भी ना है तेरा जाका करत गुमान। अंत काल में नाह छुड़ावत जब ही जमले प्राण। प्यारे प्यारे यह दुनिया सारी मुसाफिर खाना जान। रावण जैसे चले गए बहुवीर धीर बलवान। कहता टेऊं फिर न रहे को बिना एक भगवान। प्यारे प्यारे यह दुनिया सारी मुसाफिर खाना जान। प्यारे प्यारे यह दुनिया सारी मुसाफिर खाना जान। राग भैरवी भजन 54। प्यारे प्यारे यह दुनिया सारी मुसाफिर खाना जान। संसार धर्मशाला के समान है। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। मोह किससे ना करो स्वपन सम सामान है। संसार धर्मशाला के समान है। संसार का वैभव भी स्वपन के समान है। इस संसार रूपी मुसाफिर खाने धर्मशाला में तुम दो दिन के मेहमान हो। दो दिन से तात्पर्य है कि अति अल्प समय के लिए तुम्हारा यह निवास है। कहते हूँ संसार में जीवन दो दिन जान। एक तो दिन है जन्म का दूजा मृत्यु मान। तो स्वपन के समान ये संसार है। यहाँ पर कोई हमेशा रह नहीं सकता ये निश्चय करके जानो। इसीलिए कहीं पर भी मन की वृत्ति को मत अटकाओ। मोह और ममता का त्याग करो। संसार मिथ्या है। न कुछ ले आए थे न कुछ ले जाओगे। सब संपत्ति वैभव महल मकान यहीं पड़े रह जाएंगे। कुल कुटुंब परिवार भी तुम्हारा नहीं जिसका तुम्हें अहंकार है। अंतकाल में कोई भी तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं। जब यमराज आकर के प्राण पखेरु उड़ा के ले जाएंगे
तो कोई भी तुम्हारी सहायता करने वाला वहां नहीं। इस संसार में बहुत वीर विद्वान बलवान आए रावण जैसे, लेकिन उनका भी यहां पे कोई थिर स्थान नहीं रहा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। तो कितने भी बलवान हो, वीर हो, विद्वान हो, उन सबको संसार से जाना पड़ेगा। उससे मन हटाकर ईश्वर के चरणों में लगा के मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करो। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली 5 रतन प्रधान। 5 रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश, पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश।
सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।